प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों, क्या आप किसी शादीशुदा महिला के प्यार में पड़ गए हैं? अगर ऐसा है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वो भी, यानी कि वो शादीशुदा महिला भी आपके प्यार में पड़ जाएगी, आपसे प्रेम करने लगेगी। देखिए, प्रेम क्या है वो हमारे बस में नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, चाहे वो कोई शादीशुदा महिला हो, आपसे 10 साल उम्र में कोई छोटा हो या फिर 10 साल उम्र में बड़ा हो। प्रेम आपके वश में नहीं है, इंसान के बस में नहीं है, ये किसी से भी हो सकता है। और अक्सर ये होता है कि हम किसी शादीशुदा महिला के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि जी हम कैसे प्रेम में पड़ गए हैं, ये तो हमें प्यार करेगा ही नहीं क्योंकि ये तो शादीशुदा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी व्यक्ति का घर खराब नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी उपाय, एक ऐसा सिद्ध उपाय कर सकते हैं जिससे वह महिला भी आपके प्यार में पड़ जाएगी। और वो उपाय क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, एक आसान सा उपाय, एक आसान सा वशीकरण करके आप उस शादीशुदा महिला को भी अपने प्यार में डाल सकते हैं। क्या है वो उपाय, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वशीकरण कुछ इस तरह का है, कुछ इस प्रकार का है कि आपको लेना है ये सेब। जी हाँ, आपको इस तरह से एक सेब लेना है और उसके बाद आपको लेनी है लौंग। लौंग आपको सात लेनी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप जिस महिला से प्रेम करते हैं उसका नाम सिम्मी है। जी हाँ, आप जिस शादीशुदा महिला से प्रेम करते हैं उसका नाम सिम्मी है, तो आपको सिम्मी का नाम लेकर 5 लौंग इस सेब में गाड़ देनी है। जी हाँ, 5 लौंग आपको इस सेब में गाड़ देनी है। उसके बाद आपको अपना नाम लेना है, यानी कि उदाहरण के तौर पे आप कोई भी नाम, राज नाम ले लेते हैं, आप 2 लौंग बची हुई राज का लेकर सेब में गाड़ दीजिए। सेब में गाड़ने के बाद आपको करना ये है, तो बची हुई 2 लौंग आपको अपना नाम लेके, यानी कि अगर आपका नाम राज है या जो भी आपका नाम है, बची हुई 2 लौंग आपको सेब में गाड़ देनी है। उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, इस मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वही मंत्र है जो आपके लिए कारगर साबित होगा, आपको उस महिला के प्यार में डाल देगा। जी हाँ, तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वही मंत्र है जिसके बाद वो महिला आपके प्यार में पड़ जाएगी। तो मंत्र कुछ इस तरह का है, उदाहरण के तौर पर नाम है राज और सिम्मी। जी हाँ, आपका नाम राज है और उस महिला का नाम सिम्मी है, तो मंत्र कुछ इस प्रकार का होगा, काली कराली सिम्मी राज आकर्षण स्वाहा। जी हाँ, मंत्र है काली कराली सिम्मी राज आकर्षण स्वाहा। ये मंत्र आपको 7 बार लेना है। उसके बाद आपको करना ये है कि उस सेब में फूंक मार के अब उसे किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर डाल देना है। जी हाँ, तो जैसे ही आप ये प्रक्रिया कर लेंगे, यानी कि उस सेब को पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के सेब को गड्ढे के अंदर डाल देंगे, मिट्टी से ढक देंगे और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही दिनों में वो महिला भी आपके प्यार में पड़ जाएगी। जी हाँ, अगर आप किसी भी शादीशुदा महिला से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करे जितना आप करते हैं, तो आपको बस ये छोटा सा उपाय करना है, वो महिला आपके प्यार में पड़ जाएगी। अगर आपको दोस्तों इस मंत्र को उच्चारण में कोई दिक्कत आ रही है या आपको इस विधि को करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके हमारी विधि सही प्रकार से जान के उसके बाद ही कार्य करें। जी हाँ, अगर आपको ये विधि करने में जरा भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि दोस्तों अगर आप विधि को जरा भी
उस विधि में जरा भी कोई गलती छोड़ देंगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आप बात करके विधि को सही प्रकार से जान सकते हैं, मंत्रोच्चारण का सही तरीका जान सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, विधि का सही तरीका जान सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई अन्य भी समस्या है, आपके पास कोई और भी परेशानी है और आप उसका समाधान चाहते हैं, तो भी आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।